वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल सो so, आज हम हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज मैमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइज सो लेट्स वी स्टार्ट देखिए मैम इन अ कंप्यूटर सिस्टम रिक्वायर्ड पड़ती है उसकी स्टोरेज के लिए और उसके डाटा uh, और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको काफ़ी ज़्यादा डिवाइस है जो उसके इंस्ट्रक्शन को स्टोर करते हैं और उसके डाटा को भी स्टोर करते हैं जो हमारे उसको ऑपरेट करने के लिए रिक्वायरमेंट पड़ती है जो हमारा स्टोरेज डिवाइज है वो अपनी एलोग्रथम और इन्फॉर्मेशन की वजह से वो कंट्रोल करता हाउ टू कंट्रोल मैनेज करता है अपने स्टोरेज डिवाइस को और जो मेमोरी सिस्टम है कंप्यूटर का उसको कॉन्स्टिट्यूट भी करता रहता है जो हमारा मेमोरी सिस्टम है वो एक सिंपल सिस्टम है जो हमारी एग्जिबिट करता है हमारी वाइड रेंज ऑफ टेक्नोलॉजी और टाइप्स को हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव हमारे कंप्यूटर सिस्टम का वही है कि हम अपनी स्पीड को इंक्रीज कर दें और बेसिक मेमोरी सिस्टम क्या है वो हमारी फास्टेस्ट इंटरप्शन प्रोवाइड करता है और जो हमारे प्रोसेसर उनको ऑपरेट करता है एट अ स्पीड इट एक्सपेक्टेड वर्क कि हमारा हो जाए ठीक है इंटरनल प्रोसेस मैम प्रोसेसर मेमोरी क्या है जो हमारी स्मॉल सेट ऑफ हाई स्पीड रजिस्टर्स को कंसिस्ट करता है जो हमारे इंटरनल प्रोसेसर और जो हमारे टम। लोकेशन है उनको एक्चुअल प्रोसेसिंग में डन करता है प्राइमरी मेमोरी इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ मेन मेमोरी हमारी जो लार्ज मेमोरी होती है जो फास्ट होती है बट इंटरनल प्रोसेस उसकी फास्ट होती है और जो हमारी डायरेक्टली प्रोसेस करती है हमारी मेमोरी को इट इज़ में uh, in, uh, हमारे सर्किट्स को भी इंटीग्रेट करती है हमारे बहुत लार्ज नंबर में स्मॉल पार्ट्स में डिवाइडेड है ये मेमरी और हम ईच पार्ट को सेल बोलते हैं जो और मेमरी लोकेशन बोलते हैं जो ईच ऑफ द लोकेशन है वो हमारे एक यूनिक नंबर को uh, uh, हमने असाइन कर एड्रेस बोलते हैं लाइक दिस ठीक और जो एग्जाम्पल तो दिए हुए हैं आपको फिगर में दिख रहा होगा सेल मेमोरी और हमारे एड्रेसेस क्या है ना सेकेंडरी मेमोरी हमको हम उसको ऑक्जलरी मेमोरी और बैकिंग स्टोर भी बोलते हैं ये साइज़ में बहुत लार्जर होती है एज़ कंपेयर टू मेन मेमोरी और बट स्लोअर होती है स्पीड में नॉर्मल स्टोर हमारा सिर्फ नॉर्मली सिस्टम्स को स्टोर uh, कर सकती है फाइल और इंस्ट्रक्शन कर सकती है और जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है वो ऑल्सो uh, यूज़ करी जाती है हमारे ओवरफ्लो मेमोरी के लिए मेन मेमोरी की कैपेसिटी को एक्सीड करने के लिए भी और हमारे प्रोसेसर को एक्सीड नहीं कर सकती और जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो एक्सेस हो हो जाती है अकॉर्डिंग टू आर मेन मेमोरी ठीक है करेक्ट सिक्स देखिए हमारी मेमोरी uh, मेमोरी सिस्टम्स के स्टोरेज लोकेशन यहाँ यहाँ पे हमारी मेमरीज uh, को स्टोर करके रखती है इंटरनली मतलब जो लोकेटेड इनसाइड और एट द टाइम और हमारी एक्सटर्नल लाइक सीपीयू के अंदर कनेक्ट करके रखती है सी uh, पी रजिस्टर जो हमारी लोकल मेमोरी uh, है उनके ऑन रखती है रजिस्टर्स को स्टोरेज कैपेसिटी अमाउंट डाटा कैन बी स्टोर इन अ स्मॉल यूनिट उसको हम बाइट्स के फॉर्म में रखते हैं बिट बाइनरी नंबर वन टू जीरो टू वन रिप्रेजेंट करती है एज अ पैसिव और एक्टिव स्टेट ऑफ अ कॉम्पोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक निबल एक ग्रुप होता है फोर बिट्स

ट्राइव करती है रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू रिवॉर्ड एंड अवॉर्ड मेमोरी साइकिल टाइम क्या है जो डिफाइन करती है हमारे टू ससेव मेमोरीज को लाइक मेमोरी साइकिल और हमारे जो रिक्वायर्ड है एक्सेस को ठीक है एक्सेस रेट क्या होगा जो हमारे नंबर जो नंबर ऑफ रीड और राइट्स है उनको ऑपरेट करती है पर सेकेंड एक्सेस थर्ड क्या है इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ इतने सारे होते हैं जैसे कि वन टू एन टाइप है जो हमारी लोकेट करती है मेमोरी uh, को और ब्लॉक वाइज उन्हें रिकॉर्ड वाइज कर लेती है ईच ब्लॉक को ठीक है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी क्या है जो हमारे ईच uh, ब्लॉक है जो उनके पास एक अलग है वो डायरेक्टली कॉल uh, करती है मेमोरी को और जो एक्सेस है टाइम है वो लेस लेती है एज कंपेयर टू सीक्वेंस और ये एग्जाम्पल मैग्नेटिक डिस्क का हो सकता है रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है ए, ए, एक अनदर मेथड है जो रैंडमली एक्सेस करता है इंडिपेंड लोकेशन होती है इसमें हमारी जैसे मेन मेमोरी होगी फिजिकल टाइप क्या है जो हमारी वैरायटी है टाइप्स की मेमोरीज की हैव बीन एम्प्लॉयड टू द मोस्ट कॉमन सेमी सेमी कंडक्टर कह सकते हैं फिजिकल करेक्टरस्टिक्स है डिस्ट्रिक्टिव रीड आउट है जो हमारे कॉन्टेंट है रीड कर जाते हैं आउट हो जाते मतलब इंफॉर्मेशन लॉस हो जाती है जब हम उसे रीड करते हैं ठीक है डायनेमिक क्या है जहाँ पे हम अपनी मेमोरी की प्रॉपर्टी को टेंड कर देते हैं लाइक वन टू जीरो स्पैन कर देते हैं सेमी कंडक्टर का यूज़ करता है और जो हमारा सोल्यूशन है प्रॉब्लम का वो हमें प्रियऑडिकली इंटरवाइज़ मिल जाता है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमरी प्राइमरी मेमोरी टम्प्रेरी है सेकेंडरी परमानेंट है प्राइमरी वॉलेटाइल है वो नॉन वॉलेटाइल है ये सी से बिल्ड कर जाती है वो उसका वो सेपरेट यूनिट होती है प्राइमरी मेमोरी हमारी फास्ट है सेकेंडरी मेमोरी स्लो है प्राइमरी की लार्ज लिमिटेड कैपेसिटी है और सेकेंडरी की बहुत लार्ज है जो प्राइमरी की कॉस्ट है वो ज़्यादा हाई है और सेकेंडरी की लेस है स्पीड हाई किसकी है प्राइमरी की सेकेंडरी की लो है डाटा एक्सेस हमारी प्राइमरी करती है और ये हमारी सीक्वेंस पर भी डिपेंड करती है डाटा एक्सेस करते हुए नाओ वेरियस टाइप ऑफ प्राइमरी मेमरी मैग्नेटिक कोर सेमी कंडक्टर यहाँ पर पूरा चार्ज दिया हुआ है सबसे पहले करते हैं मैग्नेटिक कॉर क्या ये हमारे नाइनटीन सिक्सटी सेवेंटी फाइव में आई थी जो मेमरी यूज करते मैग्नेटिक कॉर की वो टीन ही रिंग्स में होती है और मैग्नेटिक मेरे उसमें यूज़ करा जाता है जो हमारी मेमरी है वो स्मॉल रिंग्स में आ, आ, कंपाइज करी जाती है और इसको मैग्नेटिक भी कह सकते हैं क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज वो पास करती है इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू वायर पासिस करती है और सेंटर थ्रू ऑफ दिस रिंग्स जो हमारी मैग्नेटिक रिंग क्लॉक वाइज चलती है वो ज़ीरो से और वो क्लॉक uh, वाइज और रिप्रेजेंट करती है हमारी आपको देखा ये इस तरीके से ओके परमानेंटली मैग्नेटिक है एबसेंस ऑफ करंट नॉन वॉलीटाइल हो जाती है ठीक है सेमी कंडक्टर हमारी मेमोरी क्या है जो हमारा मॉडर्न कमरे है वो सेमी कमरे है वो फास्टर है चीपर है हमारे मैग्नेटिक से और जो एक्सट्रीमली स्मॉल बिट के स्टोरेज पे यूज़ करे जाते हैं और जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उसको फ्लिप फॉप भी कहते हैं फ्लिप फॉप भी कहते हैं जो फ्लिप फॉप सर्किट है वो स्टोर करते हैं हमारे जीरो टू वन और जो हमारे फ्लिप प्लेसड है यहाँ पे चिप सिंगल है ड्यू टू दिस जो हमारे फिजिकल साइज़ वो स्मॉल हो जाता है ड्रॉबैक यही है कि वो uh, वॉलटाइल है और हमारे कॉन्टेंट को लूज़ कर सकते हैं एज पावर ठीक है बायपोलर क्या है जो बहुत फास्ट है एक्सपेंसिव है और ए एल जी में यूज होती है द पार्ट्स होते हैं और जो हमारा सेमी कंडक्टर वो लेस एक्सपेंसिव है और जनरली यूज़ होते हैं प्राइमरी उसमें ठीक है एडवांटेजेस क्या है सेमी कंडक्टर के कि चीपर ड्यू टू मास प्रोडक्शन नॉन मैनुअल प्रोसेसिंग ज़्यादा स्पेस लेते हैं एज कंपेयर टू मेमोरी फास्टर देन मटेरियल बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ साइकिल टाइम दिस डिस वॉलोटाइल है और जब हम कंटेंट को रीड करते हैं पावर का टर्न ऑफ हो जाता है और हमारा डिस मतलब अन इंटरप्रेटेड पावर सप्लाई है पावर की सप्लाई बहुत कम है ये आपका डिफरेंस है बिटवीन मैग्नेटिक एंड सेमी कंडक्टर आप खुद रीड आउट कर लेना ना रैम एंड रैम आपके बारे में आपने ख़ुद पढ़ा होगा रैम क्या है रैम इंटरनल मेमोरी होती है सीपीयू की जो हमारा डाटा प्रोग्राम्स और रिजल्ट्स को स्टोर करती है ये रीड भी है और राइट भी कर सकता है रैंडम एक्सेस मेमोरी है मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम और ये इंडिपेंडेंट है एड्रेस करती है हमारे वर्ड्स पर ईज स्टोरेज लोकेशन है मेमरी बहुत ईजी टू रीच है और हम अपनी मेमरी से इजिली और एक्सट्रीमली रीच कर सकते हैं बट एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है वॉलेटाइल भी है डाटा को स्टोर करती है पर लॉस हो जाता है जब हमारा कंप्यूटर स्विच uh, ऑफ हो जाता है पावर फेलियर की वजह से हमें बैकअप के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम uh, फेस करना रैम बहुत स्मॉल है बहुत इन टर्म फिजिकल टाइम और अमाउंट ऑफ डाटा और हमारा डिस्क्रीन मतलब मीनिंग सेपरेट हो जाता है माइक्रोफोन से और हम प्लग्स भी कर सकते हैं होल मदरहुड से और हमारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के प्रोसेस से थ्रू होके जाती है हाउ डज रैम स्टोर डाटा डाटा कैसे स्टोर करता है हमारे ट्रांसमीटर uh, और कैपेसिटी के वजह से करता है जो इसमें मेमोरी सेल है और जो कैपेसिटी जिसमें वो बिट के उसमें करती है हम चेंज कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी ज़ीरो टू वन और वहाँ पे जो सीक्वेंस है उसका कोड होता है जो हमारे जो हमें कंप्यूटर हमारा अंडरस्टैंड कर सकता है यहाँ पे इन्होंने पिक्चर्स दी हुई है यू कैन सी दैट डिफरेंट टाइप ऑफ रैम स्टैटिक एंड डायनमिक स्रैम एंड ड्रैम स्टार्टिंग देखिए द वर्ड सेटिंगेट्स एज ए लोग मतलब अपलाइड कर सकते हैं डाटा लोस हो जाता है जब पावर डाउन हो जाता है वॉलिटाइल हो जाती है जो स्क्रैम की चिप है वो सिक्स नो और जो हमारा ट्रांसमीटर है वो रिक्वायर ही नहीं करता हमारी प्रीवेंट लीकेज को जो स्रैम है नो टू उसको रिफ्रेश होने की जरूरत नहीं है रेगुलर बेसिस पे एक्स्ट्रा मेट्रिक है हमारे पास और जो स्रैम है वो मतलब मोर चीप यूज़ करता है और ड्रैम बल्कि सेम अमाउंट में स्टोरेज स्पेस कर लेता है मैन्यूफेक्चरिंग उसकी बहुत हाई कॉस्ट होती है और जो सेटिक है कैच मेमोरी के लिए ज्यादा यूज करते हैं वेरी फास्ट एंड रिफ्रेश करना पड़ता है करना पड़ता है डाटा को जो प्राइमरी uh, है रीराइट करनी पड़ती है हंड्रेड टाइम पर सेकेंड जो ड्रैम है वो मोस्टली सिस्टम मेमरी में यूज होता है क्योंकि वो चीप और स्मॉल होता है जो मेमोरी सेल है इसके लिए ड्रैम पर मेडअप करे जाते हैं जो सेल है वो वन कपेसिटियर और वन ट्रांसमीटर का यूज करते हैं इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है एज पर कैपेसिटी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए जो कंटेंट है वो पीओडिकली हमें रिफ्रेश करना पड़ता है टू मिलियन सेकेंड्स पर और जो ड्रैम है वो स्टोर करके रखता है हमारी जीरो टू वन बिट्स तक लेस पावर कंज्यूम करता है चीपर है इस रैम से और हमारा लेस कवर uh, करता है लेस स्पेस ऑन कंप्यूटर मदरबोर्ड Uh, बहुत लार्ज साइज प्रोड्यूस करता है ट्रांसमीटर की मेमोरी बहुत कम होती है डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक आप इसे खुद रीड आउट कर लेना ना रोम रीड ओनली मेमोरी जो हमारा रीड ओनली मेमोरी है उसे हम सिर्फ रीड और राइट नहीं कर सकते नॉन वोलोटाइल है इन्फॉर्मेशन उसमें परमानेंट रहती है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर इंस्ट्रक्शन जब रिक्वायर्ड पड़ती है तो वो इलेक्ट्रिक के टर्न ओवर करके हम उसे कर सकते हैं रैम को हम ऑल्सो फिल फ़िलवेयर भी बोलते हैं जो हमारे करेक्टर से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंबाइन करके रखती है और हमें यह करना कि जो रोम है वो, फि, वो फिम फायर है और अदर टर्म में फिर फायर को माइक्रो कोड और माइक्रो प्रोग्राम भी बोलते हैं रोम चिप्स आर नॉट इसमें यूज का कोई ना इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का यूज होता है लाइक वॉशिंग मशीन एंड माइक्रोवेव और, और सीपीयू से अटैच होता है टू तो काइंड ऑफ मेमोरीज लाइक दिस रोम की बहुत सारी टाइप दी हुई है सबसे पहले हम रोम मासक्रोम जो मासक्रोम है वो हार्ड हार्डवेयर डिवाइस है जो प्रीम प्री प्रोग्राम करती है हमारे डाटा और इंस्ट्रक्शन को और हम इसे मासक्रोम बोलते हैं जो हमारा कॉन्टेंट है वो स्पेसिफाई करता है प्रोडक्शन चिप्स को एक्चुअल डाटा अरेंज कर सकते हैं हम ट्रांसमीटर में ठीक है प्रो प्रोम क्या है जो हमारी प्रोग्रामिंग है जो हमारे रीड ओनली मेमोरी है वो मॉडिफाई कर सकते हैं बाय यूजर और ब्लैंक प्रोग्राम को हम एंटर कर सकते हैं डिजायर्ड कंटेंट के अकॉर्डिंग ठीक है तो जो हमारी स्मॉल चिप्स हैं वो बस्ट हो जाती हैं और जो प्रोग्राम है वो इरेजेबल नहीं है वन टाइम प्रोग्राम डिवाइस है और इकोनॉमिकल e है वैल्यूएबल कंपनीज स्किल में यूज़ होता है लाइक सॉफ्टवेयर दे राइट और वो चेंज कर सकते हैं कोड को जब उन्हें कोई रिक्वायर्ड uh, ना हो एक्सपेंसिव फॉम लगता हो तो ना इरेजेबल एंड प्रोग्रामर मतलब जो दोनों हो इरेज इरेज भी हो जाए और प्रोग्रामल भी हो जाए जो हम मोर देन टेन इयर्स भी यूज़ कर सकें चीपर है अल्ट्रा अल्ट्रावर्ड पास होता है बहुत सारी हमें चीज़ें प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक इरेज कर दिए इट कैन बी इेज एंड रिपोग्राम टेन थाउजेंड टाइम्स बोथ इरेज एंड प्रोग्राम इतने इतने टाइम पे मतलब ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है ठीक है अपडेट कर लेता है इजली इसके एडवांटेज डिसएडवाटेज हाई कॉस्ट मैनेजमेंट है नॉन वॉलोटाइल है हमारी सारी बहुत सारी टाइम को मतलब इसका डिसएडवांटेज भी डिस्पिनिंग जब हमारी टेक्नोलॉजी ग्रोथ कर रही हो एडवांटेजेज़ इधर रोम के हैं आप इसे खुद रीड आउट कर लेना आपको बहुत ईजीली समझ आ जाएंगे इधर रैम और रोम का डिफ्रेंसेज है ये भी आप ख़ुद कर लेना कैच मेमोरी देखिए सीपीयू यू उसके बाद कैच मेमोरी और फिर उसके बाद मेन मेमोरी ठीक है ये आपका डायग्राम है ये एक फिगर है नाउ लेवल ऑफ कैच फर्स्ट लेवल क्या आएगा यहाँ पे यहाँ पे 180 एट्टी यहाँ पे कैच मेमोरी बिल्ड करी जाती है खुद के अंदर ठीक है इतने इतने के बी के अकॉर्डिंग और लेवल टू और लेवल एल टू उसके अकॉर्डिंग के बी इसके अकॉर्डिंग स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज होता है ये अपोजिट है प्राइमरी मेमोरी से सी पी यू प्रोसेस करता है इसमें और जो स्टोरेज है वो प्रोग्राम करता है वो प्रोसेस नहीं होते स्टोर करा जाता है जो वो डिवाइसेज क्या क्या उसको यूज करते हैं हार्ड डिस्क फ्लॉपी इन सब की जरूरत पड़ती है ये डिवाइज उसको लार्ज कैपेसिटी तक स्टोर कर सकते हैं एक्सपेंसिव नहीं है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी और स्लो है इन कम्पेरिज टू देम और इसको मास स्टोरेज डिवाइसेज भी बोलते हैं एडवांटेज स्कैन नॉन वॉलिटाइल है कैपेसिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि हम इसमें चिप्स वगैरह का यूज कर सकते हैं एक्सपेंसिव है डाटा को स्टोर करना रिजबिलिटी uh, है मतलब ओवर राइट और डिलीट हो सकता है बाई यूजर पोर्टेबल है स्मॉल है और इजिली पोर्टेड है हम वन कंप्यूटर से दूसरे कर सकते हैं रिलायबिलिटी है क्योंकि स्टोरेज सेफ रहेगी और फिजिकली रिलायबल रहेगा कन्वीनियंट है विद द हेल्प ऑफ पीपल लोकेट है तो हम डाटा ईजिली एक्सेस कर सकते हैं मेथड ऑफ़ एक्सेसिंग डाटा सिक्वेंटल है मतलब कैसे जो, जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो सर्च करता है हमारे स्टोरेज डिवाइसेस को बिगनिंग से और फाइंड करता है हमारा डाटा कहाँ पे से मैग्नेटिक टेप हो गए डायरेक्ट मतलब रैंडम एक्सेस है जो हमारा है वो डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन पर जाता है जो, जो यूजर्स को चाहिए ठीक है इन्होंने यहाँ प्रोग्राम दे रखा आप इसे देख सकते हैं ठीक है उसके बाद है मैग्नेटिक टेक मैग्नेटिक मे बहुत पॉपुलर है मीडियम लार्ज साइज मैग्नेटिक टेक बहुत लेंथ है स्टीडियम सिमिलर है जो हमारी टेप से है और वो प्लास्टिक रिबन की बनी होती है वो उसके मैग्नेटिक टेप होती है जो मैग्नेटिक मटेरियल से वन साइड होती है जो डाटा स्टोर करा जाता है बिट्स में जो परमानेंट रहता है आ, टेप पे हम रीड कर सकते हैं इजली और हम अगेन एंड अगेन उस टेप का यूज़ कर सकते हैं टेप रिकॉर्डर के एज अ और जो न्यू डाटा वो स्टोर हो जाता है टेप आर टेप आर इरीज उन्हें इरेज भी कर सकते हैं और रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं अगर हमें री यूज़ करना हो तो और जो रोज़ है वो हॉरीजेंटली होती है और जो ट्रैक और कॉलम होता है वो वर्टिकल होता है आपको दिखाया हुआ इधर ठीक है इन्होंने यहाँ नंबर दिए हुए हैं ठीक है इस तरीके से उसके बाद है हमारी ब्लॉकिंग एंड डी ब्लॉकिंग हम ब्लॉक भी कर सकते हैं डी ब्लॉक भी कर जो ब्लॉक है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा है वो ट्रांसफ़र करता है हमारी ट्रेप और मेमोरी के बीच में जो लॉजिकली अनलॉजिकली होती है हमारी और ब्लॉक करके डिपेंड हो जाता है अनलॉजिकली और जो हमारा लेंथ है वो ब्लॉक हो जाता है नंबर कंटेन्स करता है वो रिकॉर्ड बना के रखता है ठीक है इस तरीके से टेप का यूटिलाइजेशन किस तरह से ब्लॉक वन इतना मतलब इतनी यूज मतलब बता रहा है कि कितना टाइम में कितनी यूज़ होती है टेप साइज ऑफ ब्लॉक इन्होंने दिया हो कि साइज़ का ब्लॉक कितना होता है जो ग्रुप ऑफ सेवरल रिकॉर्ड होते हैं वो इनटू वन ब्लॉक उसको हम ब्लॉकिंग कहते हैं जो क्वेश्चन आएगा कि व्हाई आर नॉट दी व्हाई व्हाई नॉट हैव वेरी लार्ज ब्लॉक्स हमारे पास जब लंबे ब्लॉक्स क्यों नहीं है और डी ब्लॉकिंग किसे कहते हैं जो हमारा प्रोग्राम रिक्वेस्ट करता है हमारे रिकॉर्ड को कि रिकॉर्ड करो टेप फाइल को वो जो जो ब्लॉक रिकॉर्ड होते हैं वो उनको स्पेसिफाई रिकॉर्ड ट्रांसफ़र करने के लिए जो स्पेसिफाइड रिकॉर्ड है वो एक्जैक्ट एक्सट्रैक्ट uh, कर जाते हैं ब्लॉक से और वो डिलीवर हमारे वर्क स्पेस पर हो जाती है तो उसको हम डी ब्लॉकिंग कहते हैं ठीक है बिगनिंग एंड एंड ऑफ द टेप कहाँ से होगी जो हमारी बिगनिंग और एंड होती है वो बी ओ टी और ई ओ टी से होती है ईच मार्क पर लिखा होता है और जो हमारी टेप मार्क बिगनिंग होती है वो लोड पॉइंट होता है और जहाँ टेप यूजेबल है और जहाँ टेबल पर टिल द पॉइंट वो एंड ऑफ द टेप है जो टेप है वो सेवरल फाइल्स को कंटेन करते हैं और आइडेंटिफाई भी करते हैं इंटरनल लेबल होते हैं और जो इंटरनल लेबल वो है वो रिकॉर्ड होते हैं हमारी टेप पे बिगनिंग टू द एंड ऑफ द फाइल मैग्नेटिव जो फाइल है उसको हम हार्डर लेबल कहते हैं और हार्डर लेबल की इंफॉर्मेशन यहाँ यहाँ कनेक्ट होती है इन इन चारों पॉइंट्स के थ्रू ट्रायल लेबल होता है जो रिकॉर्ड करता है और हमारे लेबल्स को भी कंटेन करके रखता है और हमारे ब्लॉक्स को भी काउंट करता है फाइल्स को रीड आउट करता है प्रोग्राम्स को काउंट करता है कंपेयर करता है काउंट लेबल से ठीक है डिपेंड करता है हमारी फाइल कितना साइज़ है सेवरल टेप्स कितनी है स्प्रेड कितना और है साइज़ कितना है लेंथ कितनी है और उन सेवरल रीज़ की टेप को हम करते हैं और फिर सच फाइल को हम मल्टी वॉल्यूम टेप फाइल बोलते हैं ठीक है एडवांटेजेस डिसएडवाटेजेज ये आपको खुद रीड आउट करना है ठीक है उसके बाद है मैग्नेटिक डिस्क मैग्नेट जो एक स्टोरेज डिवाइस है जो आपके एज्यूम करता है आपकी स्पेस को ग्राफिक्स को और फिल्म्स को प्रॉपर्टी मटेरियल है वो आई टू परमानेंटली होता है ज़ीरो टू वन होता है डिस्क पैक होता है अबव द स्ट्रैक ठीक है इन्होंने यहाँ पे पिक्चर्स दिए हुए आप इन्हें इनके थ्रू आप इन्हें अच्छे से कर सकते हैं ये इन्होंने साइज़ दे रखा कि 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 है कि कितना है सेवनटीन इतने सिलेंडर्स का ओके देखिए इस पिक्चर के फॉर्म में ठीक है ये हमारा एक्सेस टाइम है कितना कवर अप करती है हमारी ये एडवांटेजेस हैं और ये डिसएडवांटेजेस आप इसे खुद रीड आउट कर लेना अगर आपने टॉपिक पढ़ ले तो आपको आ जाएगा इजीली सो so, बाकी हम कल करेंगे वीडियो में आज बहुत लंबी हो गई वीडियो सो so, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पुट कर देना थैंक यू हैव ए नाइस डे